जनपद मुरादाबाद में आगामी त्योहारों को लेकर प्रशासन द्वारा रणनीति तैयार कर ली गई है। साथ ही मुख्य बाजारों में सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम भी किए जा रहे हैं। अपर जिलाधिकारी नगर आलोक कुमार वर्मा ने आगामी त्योहारों को लेकर सभी से शांति व्यवस्था कायम रखने की अपील भी की है। मुरादाबाद महानगर में दीपावली पर्व पर आतिशबाजी की बिक्री हेतु अस्थायी दुकानों के स्थान निर्धारित करने को लेकर एडीएम सिटी आलोक कुमार वर्मा ने बताया कि महानगर मुरादाबाद में दिवाली के पर्व पर आतिशबाजी की बिक्री हेतु अस्थायी दुकानों कुल 8 स्थानों यथा पार्कर इंटर कॉलेज का मैदान, थाना कोतवाली मुरादाबाद, राजकीय पॉलिटेक्निक कंपाउंड कांट रोड, थाना सिविल लाइंस मुरादाबाद, हड़तला रेलवे कॉलोनी में फुटबॉल ग्राउंड, थाना सिविल लाइंस मुरादाबाद, मंडी समिति आरएफसी गोदाम के सामने रिक्त मैदान, थाना मंझोला बुद्धि विहार में सर्किट हाउस के पीछे रिक्त मैदान, उत्तरी थाना मंझोला बुद्धि विहार में सर्किट हाउस के पीछे रिक्त मैदान, दक्षिणी थाना मंझोला खुशालपुर ब्रेड फैक्ट्री के पास रिक्त मैदान, थाना मंझोला एवं ट्रांसपोर्ट नगर ग्राउंड निकट आरटीओ ऑफिस थाना मंझोला पर 21 अक्टूबर से 24 अक्टूबर 2022 तक के लिए प्रतिदिन अस्थायी रूप से लगाए जाने की जानकारी दी। देखिए, कोई नया कार्य नहीं किया जा रहा है। एक्सिटी मजिस्ट्रेट साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है जिसमें सभी सीईओ सभी एसीएम आकर के कुछ जगहों का चयन करेंगे। हालांकि पिछली बार 8 जगहों का चयन हुआ था, इस बार वो जगहें फिर से देखी जाएंगी। अगर बढ़ाने की आवश्यकता होगी तो कुछ जगहें और बढ़ाई जाएंगी, और अगर कहीं लगता है कि कोई मुश्किल हालात पैदा हो सकते हैं तो उन जगहों को कम किया जाएगा। अभी कमेटी बैठ रही है, फिर देखते हैं क्या उसमें होता है। सर, कब से ये प्रक्रिया मतलब शुरू हो जाएगी और कब से कब तक दुकानें लगेंगी? एक्चुअली प्रक्रिया वो चालू हो चुकी है, कल संभवतः उसको लेकर के एक मीटिंग भी रखी गई है, तो आज और कल में क्लियर हो जाएगा। सर, दिवाली के अवसर में बाजारों में भीड़ भी शुरू होगी, ऐसे में क्या इंतजाम किए गए हैं प्रशासन? देखिए, दिवाली एक बहुत बड़ा सा हमारा त्यौहार है, कई स्तरों तो उसमें होता है। एक पटाखे की मार्केट होती है, दूसरा धनतेरस का भी होता है, और तीसरा बाकी के लोग शॉपिंग करने और घूमने भी जाते हैं। तो इस सबसे पहले तो यहाँ पर पटाखों की मार्केट में हम लोगों ने फायर वालों को कर रखा है ताकि को अगर कोई आग जैसे कोई घटना हो तो फायर ब्रिगेड हमारी रहे, और बाकी के मार्केट में हम लोगों ने पुलिस प्रशासन की व्यवस्था कर रखी है जिससे कि अगर चेन स्ट्रेचिंग या किसी के साथ बदतमीजी जैसी कोई घटना होती है तो उस पर डायरेक्ट एक्शन लिया जा सकता है। कोई अपील नागरिकों से? सिर्फ दो ही तीन अपील मैं करना चाहूँगा कि पटाखे बहुत ध्यान से चलावें और ख़ासतौर पर प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए चलावें। जहाँ भी जाएँ अपने इर्द गिर्द भी देख लें कि कहीं कुछ ऐसी कोई घटना तो नहीं है जो संदेहजनक है। अगर होती है तो इमीडिएट हमसे आप संपर्क करने का आप हमसे संपर्क करें। सुरक्षित रहें, आनंद से अपना उत्सव मनाएं।